शुक्रवार को रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंडल स्तरीय खेल छात्रावास के लिए खेल प्रशिक्षकों द्वारा सभी खिलाड़ियों के संयुक्त रूप से फिटनेस टेस्ट किया गया। बताते चलें कि खिलाड़ियों का ट्रायल टेस्ट खेल नियमों के मानकों के अनुरूप लिया जा रहा है। प्रशिक्षक वॉलीबॉल अमिता कुशवाहा, महिला हॉकी कोच एनपी गौड़ और शालिनी विश्वकर्मा, तैराकी संध्या यादव, मुक्केबाजी प्रवीण यादव, जूडो कमलेश कुमार खिलाड़ियों के ट्रायल लेते नजर आए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी गोरखपुर मंडल अरुणेंदु कुमार पांडे ने बताया। नहीं डबल जंप नहीं था। बहुत बढ़िया, गुड। एक बार और बस चल 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 चलो लकी चलेंगे तो लाइन दस चल भाई जी थोड़ा खाइए बात को अपना विचार खिलाड़ियों को फिजिकल टेस्ट और स्किल टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले फिजिकल टेस्ट इनका होता है, इसमें 100 मीटर 800 मीटर 10x6 शटल रन, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और 800 मीटर की दौड़ होती है। उसके बाद फिर फिजिकल का टेस्ट होता है, दोनों का नंबर मिला करके इनका आगे भी चयन किया जाता है। कब तक चलेगा सर ये? चलेगा 27 तक। ये मंडली ट्रायल चल रहा है, आज से मंडली ट्रायल शुरू हुआ है और ये 27 तक चलेगा। 5 मार्च से पूरे प्रदेश का एक साथ राज्य स्तरीय चयन ट्रायल होगा सभी खेलों विभिन्न स्थानों पर।